Writing a research proposal is a critical, time-taking, though very important task in the life of a researcher. How you can write an impactful research proposal to win any kind of a research grant or a position in high degree, you can watch by this video. The link is given in the I button. इस वीडियो में मैंने रिसर्च प्रपोजल के स्ट्रक्चर को, उसके चैप्टर्स को और हर चैप्टर के अंदर कौन सी डिटेल्स आएगी उनको बहुत डिटेल से विद एग्जाम्पल्स एलेबरेट किया है. अगर आपको अभी भी कोई कंफ्यूजन होगी, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन बाय मेंशनिंग योर एरिया ऑफ स्टडी, सो दैट आई मे इंक्लूड द एग्जाम्पल्स ऑफ योर एरिया ऑफ स्टडी इन द नेक्स्ट वीडियो टू मेक इट मोर क्लियर फॉर यू. और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करें और इन तमाम वीडियोज को उन लोगों तक जरूर शेयर करें जिनके बारे में आप ये समझते हैं कि ये कॉन्टेंट शेयर करके आप उनको किसी ना किसी तरीके से हेल्प कर सकते हैं. इस वीडियो में हम ये देखेंगे दैट व्हाट आर द फाइव मेजर मिस्टेक्स दैट न्यू रिसर्चर्स डू व्हाइल राइटिंग द रिसर्च प्रपोजल. और ये वो मेजर मिस्टेक्स हैं जो आपके रिसर्च प्रपोजल में बार बार रिजेक्शन की वजह बनती हैं. सो स्टे ट्यून. फर्स्ट वेरी बिग मिस्टेक दैट कैन नॉट बी इग्नोर्ड दैट हैज बीन डन बाय मोस्ट ऑफ द रिसर्चर्स व्हाइल राइटिंग द रिसर्च प्रपोजल इज द सिलेक्शन ऑफ द टाइटल ऑफ योर रिसर्च प्रपोजल. सिलेक्टिंग अ रिसर्च टाइटल डेफिनेटली ऑल द मटीरियल्स यू हैव इंक्लूडेड इन योर रिसर्च प्रपोजल. और ये आपकी उस स्टडी की भी रिफ्लेक्शन है जो इस रिसर्च प्रपोजल को डेवलप करते हुए आपने की. जितना ज्यादा आपका लिटरेचर रिव्यू और आपका उस सब्जेक्ट के ऊपर, उस टॉपिक के ऊपर आपकी ग्रिप स्ट्रांग होगी. मोस्ट ऑफ द यंग रिसर्चर्स ये मिस्टेक करते हैं कि वो अपने टाइटल को बहुत ब्रॉड बना लेते हैं. वो उन टर्म्स को, उन एरियाज को मेंशन नहीं करते जिनके ऊपर वो स्पेसिफिकली फोकस करने जा रहे हैं. और इसकी एक बहुत बड़ी रीजन ये होती है कि पीपल थिंक दैट कि जितना बड़ा, जितना ब्रॉड टाइटल होगा, उनके पास ऑप्शंस और अपॉर्चुनिटीज उतनी ज्यादा होंगी, वो अपनी रिसर्च को किसी ना किसी डायरेक्शन की तरफ मोल्ड कर सकेंगे. लेकिन जब आप अपने रिसर्च प्रपोजल को उस कंपटीशन में डालते हैं जिसमें आपने रिसर्च ग्रांट विन करनी है, कोई इंटरनेशनल रिसर्च की पोजीशन या पीएचडी एमफिल पोजीशन विन करनी है, यहाँ पर ये आपके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक बनता है. बिकॉज इंटरनेशनल जीरीज आर लुकिंग द स्पेसिफिक कंसर्न, द स्पेसिफिक रिसर्च प्रॉब्लम यू आर गोइंग टू टारगेट. और जब ये चीज उनको नजर नहीं आती, रिसर्च प्रपोजल का टाइटल पढ़ के ही आपका रिसर्च प्रपोजल जो है बाजूकात रिजेक्शन की लिस्ट में चला जाता है. द विनिंग अप्रोच इज दिस दैट You should at least to be very close to the problem जिसको आप अपनी research के जरिए address करने जा रहे हैं. For example, if you mention that I am going to check the application of ionic liquids in organic synthesis, तो ये बहुत broad topic है जिसमें आपने ना ही type of ionic liquids जो है उसको identify किया, ना ही आपने organic synthesis जो कि बहुत सारे areas में हो रही है उसकी specific area को target किया, ना ही आपने ionic liquid को के role को वहां पर identify किया कि आप as a solvent उसको उसका effect check करने जा रहे हैं, एज ए कैटलिस्ट करने जा रहे हैं, वो कौन सा फैक्टर है जिसको स्पेसिफिकली आप रिप्लेस करने जा रहे हैं, तो आपने ज्यूरी के लिए बहुत सारे अनआंसर्ड क्वेश्चन छोड़ दिए. सो बजाय इसके कि आपका टाइटल ये हो टू इन्वेस्टिगेट द एप्लीकेशन ऑफ आयनिक लिक्विड्स इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस, इट शुड बी लाइक दैट टू इन्वेस्टिगेट द एप्लीकेशन ऑफ अमीडाजोल बेस्ड आयनिक लिक्विड्स इन द सिंथेसिस ऑफ एनएसएस. अब यहाँ पर भी आपके पास रूम है. अगर आपकी डिग्री जो है वो पीएचडी डिग्री है तो आप इस पूरे एरिया को एक्सप्लोर कर सकते हैं. अदरवाइज आपके लिए ऑप्शंस हैं, यू कैन प्ले, यू कैन चेक देयर रोल एज अ कैटलिस्ट, एज हाउ इट इज अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, आपके पास परसेंटेज यील्ड के हवाले से इसके क्या रिजल्ट्स हैं. तो अमीडाजोल बेस्ड आयनिक लिक्विड्स भी आपके पास एक बहुत बड़ा रूम है जिसमें आप प्ले कर सकते हैं और कुछ स्पेसिफिक आयनिक लिक्विड्स जो है उनको पिक कर सकते हैं. लेकिन आप थोड़े स्पेसिफिक हो गए, आपने एक खास न्यूक्लियस को पिक कर लिया और उसमें सिंथेसिस की एक क्लास होती है उसको पिक कर लिया. एंड नो यू कैन प्ले विद दीज बोथ थिंग्स. द सेकंड मेजर मिस्टेक इज देयर इज अ नो अलाइनमेंट बिटवीन द एम्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड रिसर्च क्वेश्चन. आपके रिसर्च एम्स, ऑब्जेक्टिव्स और आपका रिसर्च क्वेश्चन है वो तीनों आपके उसी एक प्रॉब्लम को टारगेट करके बेस होने चाहिए जिसका सोल्यूशन आप अपने रिसर्च के जरिए बयान करने जा रहे हैं. फॉर एग्जांपल, इफ यू आर गोइंग टू इन्वेस्टिगेट द रोल ऑफ अमीडाजोल बेस्ड आयनिक लिक्विड एज अ कैटलिस्ट इन द सिंथेसिस ऑफ एनएसएच, तो फिर आपके रिसर्च एम्स में भी उसी बात को रिफ्लेक्ट होना चाहिए. यू आर गोइंग टू स्टडी द रोल ऑफ अमीडाजोल बेस्ड आयनिक लिक्विड्स For the synthesis of NSAIDs as a catalyst, and in the same way, आपके objectives और आपका research question भी इसी पे rank होना चाहिए. आपका research aims में interactions की बात और research objectives में rate of reaction की बात नहीं होनी चाहिए, बल्कि आप as a catalyst उसके role को अगर investigate करने जा रहे हैं तो as a catalyst ही आपकी सारी investigation उसी एक point पे focus होगी. कहीं पर भी आप as a, उसके rate of reaction के ऊपर या interaction between amidazole based anionic liquids और NSAID की जो molecule है उनको base बना के आप अपना research aim और research objective जो है उसको नहीं बना सकते. आपका रिसर्च एम, आपका रिसर्च ऑब्जेक्टिव, आपका रिसर्च क्वेश्चन उसी एक मुद्दे के गिर्द होने चाहिए कि आपकी स्टडीज जो हैं वो रोल ऑफ आयनिक लिक्विड इन एनएसएच सिंथेसिस
में एज अ कैटलिस्ट को इन्वेस्टिगेट करने में है कि एज अ कैटलिस्ट जब वो एक्ट करेंगे तो किस तरह की चेंजेस जो है वो आपको देखने में नजर आएंगे. बिकॉज दिस इज वेरी इनिशियल स्टेज ऑफ योर रिसर्च, तो आपसे ये एक्सपेक्ट करना कि आप एक बहुत स्ट्रांग प्रपोजल लिख लेंगे विदाउट एनी हेल्प, ये बिल्कुल एक नामुमकिन सी बात है. इसके लिए आपको कंसल्ट करना है विद योर रिसर्च सुपरवाइजर, विद ऑल द सीनियर्स, जो भी आपको लगता है राइटिंग में अच्छे हैं. आप उनसे क्रॉस चेक करवाएंगे, उनसे अपने आइडियाज डिस्कस करेंगे और फिर अपने क्रूड आइडियाज को फाइनल आइडियाज बना के फिर लिखने की तरफ आए. तीसरी मेजर मिस्टेक जो एक बिगनर से होती है, जो वो बंदा जो रिसर्च की मिथ को, रिसर्च के पैरामीटर्स को, उन सीक्वेंस को उतने अच्छे से नहीं जानता कि वो उसका रिसर्च टॉपिक इतना जस्टिफाई नहीं होता. जस्टिफाई करने का मतलब ये है कि जब आपने अपने रिसर्च टॉपिक लिखा तो जो आपने मटेरियल अब इंट्रोडक्शन में इंक्लूड किया है, जिसमें आप अपने उस काम की इंपॉर्टेंस को बताने जा रहे हैं, उसमें ओरिजिनलिटी ऑफ योर वर्क एंड इंपॉर्टेंस ऑफ योर वर्क के ऊपर जोर देना बहुत जरूरी है. ये एक ऐसी स्टोरी टेलिंग है जिसमें पहले पैराग्राफ में ही आप अपने रीडर को, आप उस ज्यूरी को, आप उस पर्सन को जिसके पास आपका प्रपोजल गया है उसको इम्प्रेस कर सकते हैं दैट हाउ योर वर्क इज ओरिजिनल और नोवेल एंड इन दैट स्पेसिफिक एरिया, इन दैट स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट जिसमें आप अपनी रिसर्च करने जा रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, एबिडाजोल बेस्ड आयनिक लिक्विड्स को एज अ सॉल्वेंट या एज अ कैटलिस्ट ऑर्गेनिक सिंथेसिस में बहुत जगह पे चेक किया जा चुका है, लेकिन एनएसएस में अगर उसको नहीं किया गया एंड यू आर द पर्सन हु इज गोइंग टू इन्वेस्टिगेट द रोल ऑफ एबिडाजोल बेस्ड आयनिक लिक्विड्स एज अ कैटलिस्ट इन एनएसएस एंड व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दैट, आपकी इस रिसर्च का क्या इम्पैक्ट आने वाला है. एनएसएस में फॉर एग्जाम्पल वोलेटाइल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स यूज हो रहे हैं, वो हमारे एनवायरमेंट को पोल्यूट कर रहे हैं बिकॉज ये बहुत बड़ी तादाद में प्रोड्यूस होते हैं, हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं. ग्रीन सॉल्वेंट्स, एलेटाइनिक लिक्विड जो है, इनकी बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन है जिनकी बुनियाद पर आप उनको वोलेटाइल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट से रिप्लेस कर सकते हैं या उन हार्मफुल कैटलिस्ट से रिप्लेस कर सकते हैं जो कि आपकी बॉडी के लिए और आपके एनवायरमेंट दोनों के लिए फ्रेंडली नहीं है. सो दिस इज द इम्पोर्टेंस यू आर गोइंग टू डिस्क्राइब द इन दैट पोर्शन जिसमें आप अपने वर्क की, अपने काम की अहमियत को बता के उसको मुख्तलिफ करने जा रहे हैं और उसको सोसाइटी के लिए इम्पैक्टफुल साबित करने जा रहे हैं. सो पीपल डोंट अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ दीज टू पैरामीटर्स. अगर आपका टॉपिक, आपका रिसर्च टाइटल डिफरेंट है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक इम्पोर्टेंट रिसर्च भी है और उसकी इतनी ही आपके माशरे में, आपकी सोसाइटी में जरूरत है. नोवेलिटी का मतलब हरगिज ये नहीं है कि यू आर गोइंग टू एड्रेस दोस काइंड ऑफ प्रॉब्लम जिनका सॉल्व होना बहुत जरूरी है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है. आपके काम में ओरिजिनलिटी एंड इंपॉर्टेंस दोनों होंगी तो वो आपके रिसर्च प्रपोजल को दूसरों के रिसर्च प्रपोजल से मुख्तलिफ करेंगी और आउटस्टैंड करेंगी. सो दिस इज द थर्ड मेजर मिस्टेक जिसके ऊपर यंग रिसर्चर्स काम नहीं करते और वो जस्ट लाइन पिक करते हैं, दिस वर्क हैज बीन डन इन दिस ईयर एंड दिस वर्क हैज बीन डन इन दिस ईयर इन दिस टॉपिक और दीज आर द गैप्स एंड ऑल दिस एंड आई एम गोइंग टू फिल दिस गैप. मोस्ट ऑफ द लिटरेचर रिव्यू, मोस्ट ऑफ द जो इंट्रोडक्शन पार्ट होता है रिसर्च प्रपोजल का, उसमें इन चीजों को बयान किया गया होता है. बट यू हैव टू वर्क ऑन द ओरिजिनलिटी एंड इंपॉर्टेंस टू मेक it outstand among the other. Now you have work on your research topic, आपने अपने aims, objectives, research questions के ऊपर भी काम कर लिया, आपने reader को ये भी बता दिया कि how your work is original and important. अब जो मिस्टेक आप करेंगे वो ये मिस्टेक होती है, द मोस्ट ऑफ द रिसर्चर्स आर नॉट क्लियर अबाउट द मेथोडोलॉजी, द रोड मैप, द रिक्वायरमेंट्स, उनको क्या क्या चीजें चाहिए अपने इन तमाम क्लेम्स को साबित करने के लिए और उन रिजल्ट्स को लेके आने के लिए, उनको किस तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, उनको किस तरह की रिक्वायरमेंट्स चाहिए, वो सारी चीजों को अपने जो रिसर्च पैटर्न है, जो रिसर्च मेथोडोलॉजी है, उसमें उस तरह से डिफाइन नहीं कर पाते. उनका जो रिसर्च डिजाइन होता है वो वेरी वेल डिफाइंड नहीं होता, जिसकी वजह से आपका रीडर ब्लाइंड रहता है. आप जो क्लेम कर रहे हैं उसको आप किस तरह से जस्टिफाई करेंगे, वो आपके पास वो सारी अवेलेबिलिटीज हैं जो इन रिजल्ट्स को लेके आने के लिए आपको चाहिए. अगर आपका फील्ड वर्क है तो क्या उस तरह के केसेस आपको अपने नियर बाय सराउंडिंग्स में मिल जाएंगे, अगर नहीं मिलेंगे तो उसके लिए आपको किन किन एरियाज को रीच करने पड़ेगा, आपको इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस की जरूरत पड़ेगी. इसी तरह अगर आपका लेबोरेटरी वर्क है तो तब आपको लेबोरेटरी के अंदर वो तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास अवेलेबल है, वो तमाम इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल हैं, उनको चलाने वाले अवेलेबल हैं, आपको जो रिजल्ट्स आते हैं उसको इंटरप्रेट करने के लिए आपके पास सारी सहूलियात हैं. अगर नहीं है तो देन व्हाट इज योर नेक्स्ट स्ट्रेटजी, आप किस तरह की कोलैबोरेशन जो है वो करने जा रहे हैं फ्यूचर और इस हवाले से आपकी क्या प्रोग्रेस है. अगर आप ये भी मेंशन करेंगे इन वन टू लाइन तो ये चीज आपके रिसर्च प्रपोजल को और स्ट्रॉन्ग करेगी दैट दिस काइंड ऑफ कोलैबोरेशन यू हैव इन योर पॉकेट. और अगर इन फ्यूचर आपको फॉर एग्जाम्पल किसी भी किस्म की कोलैबोरेशन की जरूरत पड़ती है, यू आर वर्किंग ऑन दैट. देन फिफ्थ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज द राइटिंग स्टाइल एंड प्रेजेंटेशन ऑफ योर रिसर्च प्रपोजल. इन दोनों में अगर
स्टोरी टेलिंग नहीं होगी, इन दोनों में अगर एक स्टोरी नहीं होगी, आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जंप कर रहे होंगे और दूसरे से तीसरे में जंप कर रहे होंगे विदाउट डेवलपिंग एनी कनेक्शन बिटवीन दीज पॉइंट्स, तो फिर भी आपके बेशक जितना अच्छा आपका मर्जी रिसर्च क्वेश्चन हो जाए, जितना मर्जी अच्छा प्रॉब्लम आप एड्रेस करने जा रहे हो, आपका रिसर्च प्रपोजल वो इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर सकेगा। आपके रिसर्च प्रपोजल आपका रिसर्च प्रपोजल है, ये वो टॉपिक है जिसके ऊपर मैक्सिमम टाइम आप दे रहे हैं, मैक्सिमम लिटरेचर आप कर रहे हैं, आप उसके बारे में कॉन्फिडेंट होना जरूरी है। व्हेन यू आर गोइंग टू प्रेजेंट दैट, तो उसके लूप एंड होल्स आपको पता है, लेकिन उनके स्ट्रॉन्ग एरियाज भी आपको पता है, तो यू शुड फोकस ऑन द स्ट्रॉन्ग एरियाज, और आप उन स्ट्रॉन्ग एरियाज को साबित करने के लिए ऐसे रेफरेंस कोट करने हैं, ऐसा वर्क कोट करना है जो कि पहले अगर हो चुका हुआ है तो उसने क्या इम्पैक्ट क्रिएट किया है। अगर आप रिसर्च कर लेते हैं और अगर कहीं पर उससे मिलती जुलती रिसर्च हुई तो उसने किस तरह का इम्पैक्ट सोसाइटी पे क्रिएट किया, ये वो स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस हैं जो अगर आप अच्छे से लिटरेचर करते हैं तो आपकी रिसर्च प्रपोजल को और स्ट्रॉन्ग बनाती है और आपकी स्टोरी टेलिंग जो है उसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती है। स्टार्टिंग फ्रॉम द प्रॉब्लम, किस तरह की रिसर्च उस तरह उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए की गई, एंड व्हाट इज द अल्टीमेट सॉल्यूशन यू आर गोइंग टू प्रोवाइड दैट, ये एक ऐसी स्टोरी है जिसमें आपका अपनी वर्डिंग का यूज होना बहुत जरूरी है। डोंट कॉपी एंड री राइट द सेंटेंसेज ऑफ द रिसर्च पेपर, रादर देन रीड देम, एक्सट्रैक्ट देम एंड राइट देम इन योर ओन वर्ड इन द फॉर्म ऑफ अ स्टोरी। जितना ज्यादा आपका वर्क इजी वर्ड्स में लिखा हुआ होगा, अंडरस्टैंडेबल होगा, उतना ज्यादा उसमें उस रिसर्च प्रपोजल को अप्रूव होने के और फंडिंग विन करने के चांसेस होंगे। सो बी कॉन्फिडेंट इन योर राइटिंग एंड इन योर प्रेजेंटेशन, इन दोनों चीजों में जितने ज्यादा कॉन्फिडेंट रीडर को आप नजर आएंगे उतना ज्यादा आपकी आपके टॉपिक के ऊपर ग्रिप जो होगी उसका अंदाजा होगा। अगर आप अपने रिसर्च प्रपोजल को लिखते हुए इन फाइव मेजर मिस्टेक्स का ख्याल रखते हैं और अपने रिसर्च प्रपोजल को री रीड करते हैं और अपने सीनियर से, सुपरवाइजर से, अपने कोलीग से उसको बार बार पढ़ाते हैं ताकि आपकी एडिटिंग मिस्टेक्स जो हैं वो भी ना रहे और उसमें आप अपना प्रॉपर टाइम फ्रेम यूज करते हैं, उस फॉर्मेट को फॉलो करते हैं जिस यूनिवर्सिटी में या जिस अदारे में आप अपने रिसर्च प्रपोजल को सबमिट करवाने जा रहे हैं, तो डेफिनेटली आपका रिसर्च प्रपोजल एक स्ट्रॉन्ग अवार्ड विनिंग रिसर्च प्रपोजल होगा। इफ यू हैव स्टिल एनी क्वेरीज यू कैन पुट इन द कमेंट सेक्शन। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैन टेक केयर, बाय बाय।